Hello, welcome to all of you in GS Galaxy. Myself Anil sir. Right now we are going to start the social condition of Mauryan age. हम लोग मौर्य काल में सामाजिक दशा करने जा रहे हैं, तो आइए जो है इसका वन बाय वन जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसको हम लोग देखा जाएगा. तो इन द फर्स्ट पैरामीटर इन द सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यन एज इज द मोड ऑफ सोसाइटी. मोड ऑफ सोसाइटी, व्हाट वाज द मोड ऑफ सोसाइटी? समाज का स्वरूप क्या था? समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल बेस्ड सोसाइटी था. पैट्रियार्कल बेस्ड सोसाइटी था, पितृसत्तात्मक समाज. समाज साथ में बच्चों, ये हम लोग के प्राचीन काल से ही परंपरा चल रहा है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, एक संयुक्त परिवार प्रणाली चल रही थी. चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कि वर्णा सिस्टम क्या है. वर्णा सिस्टम मीन्स कि वर्ण व्यवस्था कैसी है. तो वर्ण व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि परंपरागत रूप से चार वर्ण ही हैं. परंपरागत रूप से चार वर्ण हैं. वो चार वर्ण बच्चों कौन है, ये आप सारे लोगों को पता है. ब्राह्मण हैं, क्षत्रिया हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं. ठीक है, परंतु मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को सात भागों में विभाजित किया है. सात भागों में विभाजित किया है. उन्होंने इन सात भागों में किसको किसको बताया? सात भागों में इन्होंने कहा कि सबसे पहले कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं. देन आफ्टर ये कहते हैं कि योद्धा वर्ग हैं, वैरियर कम्युनिटी हैं. देन आफ्टर ये कहते हैं कि मंत्री हैं समाज में. देन कहते हैं कि निरीक्षक हैं. निरीक्षक मीन्स ये जो इंस्पेक्टर कहा जाता है वो हैं. फिर ये कहते हैं कि कृषक हैं. कृषक के बाद कहते हैं कि पशुपालक हैं. और पशुपालक के बाद ये फाइनली क्या कहते हैं कि आर्टिजन्स हैं. आर्टिजन्स मीन्स कि जो उनको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो काम करने वाले लोग होते हैं, मीन्स कि कर्मकार वर्ग हैं. कर्मकार वर्ग हैं, शिल्पी वर्ग. एक्चुअल जो वर्ड होगा वो आर्टिजन्स को शिल्पी वर्ग कहते हैं. तो आप देख रहे हैं बच्चों सात भागों में ये डिवाइड हो गया है. बुद्धिजीवी वर्ग ये आज का जो है ब्राह्मण वर्ग आप कह सकते हैं, या उस समय का ब्राह्मण वर्ग. ये तीन जो है वो क्षत्रिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. मींस कि मंत्री, योद्धा और निरीक्षक ये क्षत्रिया वर्ग से बिलोंग करते हैं. और कृषक, पशुपालक और जो ये शिल्पी हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. तो पूरे इस ऑब्जर्वेशन में क्या दिखता है? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था ना. जब चंद्रगुप्त प्रथम ने उनको पराजित किया था, तो इन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 305 BC ही केम इन इंडिया एंड ही स्टेड 7 ईयर्स सिंस 305 BC टू 298 BC. ड्यूरिंग द ऑल एक्सपीरियंसेस ही कंपाइल्ड अ बुक दैट वाज द इंडिका. इंडिका इन्होंने लिखा. इन इंडिका ही डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इन सेवन पार्ट. तो सबसे अच्छी बात बच्चों क्या है कि 7 साल रहने के बाद भी इनको हमारे भारत में क्या नहीं दिखा? भारत में दास प्रथा नहीं दिखा. मेगास्थनीज को कहीं भी भारत में स्लेवरी सिस्टम नहीं दिखा. स्लेवरी सिस्टम नहीं दिखा. तो ये भारत की अपनी परंपरा है, पहचान है. आप देख सकते हैं कि भारत में चाणक्य ने ऑब्वियसली कहा था कि हमारे यहाँ पे दास प्रथा थी, लेकिन दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि इतने साल रहने के बाद भी इनको यहाँ पे वो नहीं दिखता है. अब आते हैं बच्चों अगले इंडिकेटर की तरफ. कंडीशन ऑफ वुमेन क्या है? नारी की दशा क्या है? कंडीशन ऑफ वुमेन क्या है? नारी की दशा दैट इज एक्सीलेंट. नारी की दशा जो है आप कहेंगे कि अत्यंत उत्कृष्ट है, एक्सीलेंट है. कैसे एक्सीलेंट है? उसके सर्टेन एग्जाम्पल्स मिलते हैं. जैसे इस समय काल में वुमेन्स को उपनयन संस्कार था, उपनयन का राइट्स दिया गया था.
इस समय काल में इनको एनलमेंट ऑफ मैरिज है, विवाह विच्छेद का अधिकार है, एनलमेंट ऑफ मैरिज है, विवाह विच्छेद का अधिकार सर्टेन टर्म एंड कंडीशन में दिया गया था। मीन्स कि अगर पति जो है युद्ध में घायल हो गया है, या जो है वो संतान उत्पत्ति में असमर्थ है, या उसके अंदर कुछ सर्टेन जो है ड्रॉबैक्स हैं, वो एडिक्टेड पर्सन है किसी पर नारी के प्रति जो है उसका आकर्षण है, तो इस परिस्थिति में उनकी पत्नी जो है उनको उनके साथ विवाह विच्छेद कर सकती थी। इस समय काल में नियोग सिस्टम है, नियोग प्रथा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, महिलाएं जो है सम्राट की अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी। वुमेन्स यूज टू बी द बॉडी गार्ड ऑफ किंग, बॉडी गार्ड ऑफ किंग, ये सम्राट की अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं किसी भी देश के एक सबसे प्रीमियर पर्सन कौन होता है, उस देश का जो आज अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कहें तो सम्राट होते थे, और अगर आज के आधुनिक व्यवस्था में कहें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। तो अगर उनकी रक्षा में अगर महिलाएं हैं, तो ये उस समय में महिलाओं के प्रति आप समानता का एक कह सकते हैं व्यवहार का दृष्टिकोण का जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये महिलाओं की स्थिति है। इसके अलावा एक जगह अपवाद के रूप में आप देखेंगे, इन्होंने चाणक्य ने इनको असूर्य पस्या या अनिष्कासिनी कहा है, जिनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये अपवाद के रूप में एक एग्जाम्पल्स आपको दिख जाता है। अब आते हैं शूद्रों की दशा कैसी है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ शूद्राज, शूद्रा की दशा कैसी है। तो इसको हम कहेंगे कि अच्छी है, दैट इज द वेरी गुड। क्यों अच्छी है, क्योंकि वंस अगेन जो चाणक्य हैं वो क्या इनके बारे में कहते हैं, शूद्रा हैड द राइट्स ऑफ वार्ता, शूद्रों को वार्ता का अधिकार है। अब बच्चों ये वार्ता क्या होता है, शूद्र चाहें तो वो तीनों काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम, जैसे कि वो कृषि कर सकते हैं, वो पशुपालन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं, व्यापार और वाणिज्य का काम कर सकते हैं। तो ये शूद्रों का आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल तरीके से इनका जो है एक ट्रीटमेंट इस समय में किया जा गया था। तो दशा अच्छी है। अंतिम में वही बात हो जाती है कि शूद्रों की सॉरी दासों की दशा कैसी थी, कंडीशन ऑफ स्लेव्स कैसा था। तो मैंने पहले ही बता दिया है कंडीशन ऑफ स्लेव वाज गुड। व्हाई, बिकॉज मेगास्थनीज इन ऑल हिज टाइम पीरियड ही कुड नॉट ऑब्जर्व द स्लेव्स इन इंडियन सोसाइटी। तो चलिए बच्चों, यहीं पे ये हमारा जो है सामाजिक दशा समाप्त हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था अगर आप कहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में है। शिक्षा व्यवस्था में मानविकी और विज्ञान दोनों तरीके के विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा था। मूलतः शिक्षा व्यवस्था की जो विषय वस्तु थी वो नैतिकता परक हुआ करता था, फॉर द प्रमोशन ऑफ द एथिकल वैल्यूज। वो मैंने वैदिक काल में ही अरण्य और उपनिषद के माध्यम से आप लोगों को बताया हुआ था। तो ठीक है बच्चों, हमारा सोशल कंडीशन यहाँ पे एंड करता है। फिर किसी वीडियो में मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा और इसी तरीके से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।